वेलकम बैक टू माई डीनूस किचन। आज शाम के बज रहे हैं, आज संडे का दिन है और शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं सोच रही हूँ कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाया जाए जो घर में ही और हेल्दी भी हो और घर से ही सामान से मैं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ब्लैक वाले चने जो होते हैं उनको सोख करके रखा था रात, और इनको बॉइल करके इनका नाश्ता बनाया था। अब मैं सोच रही हूँ इन कच्चे चने का ही यूज़ करके क्यों ना मैं एक हेल्दी सा नाश्ता बनाऊं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी ये कच्चे चने, बस इनको हमने भिगो के रखा था रात भर सोख करके। और इधर लिया है मैंने ये 1 कटोरी चने हैं, तो हमारा ये 2 कटोरी आटा है। इसको मैं आटा ही यूज़ करूंगी यहाँ पर, हेल्दी जब मैंने हेल्दी नाम लिया तो मैं हेल्दी ही बना रही हूँ, तो आटा ही यूज़ करूंगी। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैदा भी कर सकते हैं, बट मैं आटा करूंगी। और इसमें डालूंगी मैं 4 चम्मच सूजी, थोड़ा क्रिस्पीपन लाने के लिए। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच सूजी। इससे हमारा जो नाश्ता होगा वो क्रिस्पी हो जाएगा। और इसी में मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन, और बाकी डालूंगी मैं सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार। और इसको हम जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम इसको मल लेंगे। इसमें हमें कोई मौन नहीं डालना है, ना ही हमें इसमें, बस सिंपल आटा गूंदना है। और आटे को हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मैंने आटा गूंद रहे हैं, तो आटा मैंने गूंद लिया ही, आटा मैंने सॉफ्ट गूंदा है जैसा पूरी का गूंदते हैं। और अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने इसमें सूजी भी ऐड करी है। अब इधर हम चलते हैं इसकी स्टफिंग के लिए। तो इसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया था चने सोख करके रखे थे, और इनको अब मैंने मिक्सी जार में शिफ्ट कर दिया है। इसमें डालूंगी मैं ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक। इधर मैंने ये सारी चीज जार में शिफ्ट कर दी है, अदरक भी डाल दिए छील के, और लहसुन भी डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दिए। इसमें पानी हमें ऐड नहीं करना है, ये सोख करे हुए ही चने हैं। इसको अब हम मिक्सी में पीसेंगे, और इसको हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। चनों को हमें इस तरह से पीसना है जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दरदरा ही। और मैंने जैसा बताया था कि पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, बस जो सोख करके रखे हैं उसी को पीसना है इस तरह से। अब इस तरह से मैंने ये लोई ले ली है, और लोई थोड़ी सी हमें बड़ी ही लेनी है, तो बड़ी ली है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा हमें मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, क्योंकि फिर जब हम इसको कट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है। अब हम इसमें फिलिंग भर रहे हैं इसकी, जो मैंने ये रॉ चने जो मैंने मिक्सी में पीसे थे वही चने हैं ये, उनको हम फैला रहे हैं। इसी में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, और अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर हेल्दी बना रही हूँ तो मैं हरी मिर्च से ही बना रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड करी है, नमक और अदरक जैसा कि आपको बताया था वो सब ऐड करा है मैंने। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और हेल्दी तो है ही, जैसा कि आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। और अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो देख ही रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ। बहुत कम मेरे चैनल पर ऐसा होता है कि मैं, इसको हमने ऐसे स्प्रेड कर दिया है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरी लोई पे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, पूरा अच्छी तरह से दबा दबा के, ताकि ये खुले ना। और इसके जो कॉर्नर हैं वो भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ के,
कॉर्नर को दबा के हम फोल्ड कर देंगे पूरा अच्छे से। इसको एक रोल की फॉर्म में बना लेंगे जैसे रोल बनाते हैं, और इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं रोल। इधर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, ये बॉइल्ड हो रहा है, और ऊपर रख दिया चलनी। आज मैं बॉयलर में नहीं हूँ, बॉइल कर देंगे इनको, और इसके ऊपर हम इनको लगा देंगे। चलनी की मैंने ग्रीसिंग कर दी है पहले, थोड़ा सा ऑयल लगाया है चलनी के ऊपर। अब हम इसको, हमारी स्टीम बन गई है तो हम इसको अब इस तरह से रख देंगे, और इसको हम एक लीड से ढक देंगे इस तरह से, और इसको हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम मीडियम स्लो कर देंगे, और 10 मिनट तक इनको ऐसी स्टीम होने देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा वो वहाँ में आपको। अब हम इसको, हमारी स्टीम बन गई है तो हम इसको अब इस तरह से रख देंगे, और इसको हम एक लीड से ढक देंगे इस तरह से, और इसको हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम मीडियम स्लो कर देंगे, और 10 मिनट तक इनको ऐसी स्टीम होने देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा वो वहाँ में आपको। इसको हो गए 10 मिनट, तो देखते हैं खोल के। ये देखिए एक तरफ से बिल्कुल ही सिक्के, ये मतलब अच्छे से बॉयल हो गए हैं, और इस तरह से हो रहे हैं, कलर भी चेंज कर दिया इन्होंने अपना। अब हम इनको दूसरी तरफ से थोड़ा सा पलट के, इसी तरह से पलट के थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं, ताकि ये बिल्कुल जो हमारा आटा है पक जाए अच्छे से। अब हम देखते हैं पलट कर, तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ, और इनको होने देते हैं ठंडा, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इनको कट करेंगे। अब हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे नाइफ से, थोड़ा सा हमने ठंडा होने दिया है जैसा मैंने बताया था, और सभी पीसेस को हम ऐसे कट कर लेंगे। यकीन मानिए ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, और देखने में देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, इसका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा आता है, कोई गेस्ट है या आप किटी पार्टी रख रहे हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। इस तरह से सारे पीसेस को कट कर लिया है, अब इसको करेंगे हम फ्राई। अब पैन में मैं हल्का सा ऑयल डाल ली हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं शैलो फ्राई करूँगी, अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब ब्रश से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से, और इसी में हमको सेकना है। अब इसको हम अच्छा सा कोट कर रहे हैं। इसको कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, और कलर वाली जो मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च लाल, वो ली है। एक अच्छा सा कलर आएगा इसमें, तो इस तरह से हम इस पे लगा देंगे ब्रश की हेल्प से, और इस तरह से मैं सारे को लगाकर देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है हमारा, और कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार है। इसे आप बाताबाड़ी भी बोल सकते हैं, घर के ही सामान से बनी हुई और कितनी हेल्दी ये तैयार है बाताबाड़ी। ये हेल्दी से इवनिंग स्नैक्स तैयार हैं, और जो देखा है आपने कि मैंने उबला उबाले भी नहीं है, चने कच्चे चनों से और आटे से बनाए हैं, और सारे स्पाइसेस डाले हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। सच में यकीन मानिए, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने से। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ और मुझे और अच्छा सा प्रोत्साहन मिले। फिर मैं मिलती हूँ एक और नई डिश के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।